हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूशन इन द सो मेनी चैप्टर्स, लाइक जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी इसका रेफरेंस आता है, खासकर जब गैमेट फॉर्मेशन वगैरह होती है। और प्लस वन में इटसेल्फ इट इज़ कैरिंग वेटेज, हर बार नीट में क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो शुरू करते हैं जी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो यहाँ जो सबसे पहले मैं टॉपिक आप कर लूँगी, दैट वॉज द सेल साइकिल। मोटो सेम, एनसीईआरटी कोर गाइड विद प्रीवियस नीट एग्जाम्स एज आर डायरेक्शन गाइड। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो शुरू कर रहे हैं जी सेल साइकिल से। ओके, तो पहले रीड कर लें जैसे हम अपनी एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। सो All organisms, even the largest, start their life from the single cell. How this single cell then goes on to form such large organism. तो दो चीजें याद रखिए, growth and reproduction are characteristics of the cells, indeed of all living organism. तो दो characters तो हमें समझ आ रहे हैं, growth and reproduction. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to two daughter cells each time they divide. The newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by cell growth and division of single parental cell and its progeny. मतलब grow कर रहा है और साथ में divide कर रहा है. In other words, cycles of growth and division allow single cell to form a structure constituting of millions of cell. तो इतनी सी बात में हमें दो बातें समझ आई कि growth, cycles of growth and the reproduction means cell का division जो हो रहा है वो एक single cell organism को multicellular में change कर देता है. Now what is cell cycle? Cell division is very important process in all living organisms. Now, during the division of the cell, DNA replication and cell growth also takes place. So, DNA replication bhi ho rahi hai aur cell growth bhi ho rahi hai. Now, all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, ye jo teenon processes chal rahe hain, सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिविजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। तो हमें ये बात ख्याल रखनी पड़ेगी कि तीन प्रोसेसेस की वो बात कर रहा है, दैट इज सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। बच्चे एक चीज ख्याल रखना, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कौन पहले आया। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो सेल डिवाइड ही नहीं हो सकता, और अगर सेल ग्रोथ ही नहीं करेगा तो रेप्लिकेशन भी नहीं आने वाली। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट से कि हु कम्स फर्स्ट, इट इज द सीक्वेंस, कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल ग्रोथ। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब रेप्लिकेशन हुई उसकी, synthesize and other constituent of cells, yani growth, and eventually divide into two daughter cell is called as cell cycle. तो जरा पहले इसकी बात ही करते हैं। तो cell cycle it was given by Howard and Palick. It was studied in broad beans. That is Vischia faba. Okay. Now what is cell cycle? Cell cycle is the sequential events. So these are the events. अगर इसी को देखें, अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही फॉलो करती है, the sequence of events, यानी कि sequential events,
events by which cell duplicates its genome मतलब रेप्लिकेशन हो गई, सिंथेसाइज इट्स कंपोनेंट्स सेलुलर कंपोनेंट्स मींस ग्रोथ एंड इवेंचुअली डिवाइड यानी कि रिप्रोड्यूस टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स विथ इंटैक्ट जीनोम मतलब जीनोम जो है वो आपका इंटैक्ट रहे. तो दिस इज द सेल साइकिल इज कॉल्ड सेल साइकिल. इसको हम सेल साइकिल कहते हैं. नाउ फॉर सेल साइकिल टू टेक प्लेस प्रॉपरली हमारे पास तीन थे, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ यानी कि ग्रोथ आपका डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन मस्ट अकर इन कोऑर्डिनेटेड वे. तो ये हमें कोऑर्डिनेटेड वे में चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा सेल साइकिल की कहानी जो एनसीईआरटी बात कर रही है. तो कहता है इसके अलावा उसने बात और हमें दो पॉइंट्स और बोले थे कि सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये जो है हमारे पास ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इनडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक बात और कहता है ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली वंस ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. तो जेनेटिक कंट्रोल भी है. आइए जरा, तो एक तो पहले हमारा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और भी होते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ कोर्स ऑल सेल्स ऑल्सो. तो सेल्स के भी हैं, ऑर्गेनिजम्स के नहीं, सेल के लिए भी हम सेम बॉडी यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इवेंट्स होते हैं ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल. और एक हमने और बात करते हैं यहां पे थर्ड, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट सेल साइकिल चलता है. तो तीन बातें हमने यहाँ पे कर ली. नंबर वन, सारे इवेंट्स जो हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं. फिर हमने कहा साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज थ्रू आउट सेल साइकिल चलती रहती है. एंड तीसरा हमने बात करी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द टू मेजर करेक्टर्स ऑफ द ऑल लिविंग सेल्स एंड ऑल लिविंग बींग्स. इसके अलावा हमने डेफिनेशन की वो सारे इवेंट्स जिससे कि एक सेल जो है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, ग्रोथ करेगा और डिवाइड करेगा ताकि वो जीनोम बांटा जा सके, दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल. फाइन, नाउ जो सेल साइकिल है हमारा वो वेरिएबल होता है.
तो जो सेल साइकिल है इट इज वेरिएबल. कैसे? वेरिएबल टाइम के साथ है. फॉर एग्जाम्पल इन यीस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का है. इन इकोलाई यानी कि बैक्टीरिया इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के आसपास है. और अगर हम बात करें कि ह्यूमन में कितना है तो इन ह्यूमन सेल इट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स. तो सेल साइकिल का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट सेल्स के अंदर वेरिएबली चलता है. नाउ सेल साइकिल के तीन इवेंट्स हैं. बेसिकली सेल साइकिल को हम दो हिस्सों में मेजरली बांटते हैं. पहले तो वन इज कॉल्ड एज द आई फेज एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द एम फेज. अगर फर्दर डिवाइड करें तो चार हो जाते हैं, तीन आई के और एक एम. तो आपके पास आई फेज और एम फेज. आई फेज को कॉमनली हम इंटरफेज कहते हैं, इसको इंटरमाइटोसिस भी कहते हैं, इसको लोग रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, इसको एनर्जी फेज भी कह देते हैं. सो देयर आर टू मेनी नेम्स फॉर इट. एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज. नाउ दिस माइटोटिक फेज इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ डिविजन्स. वन इज माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस. और जो हमारा आई फेज है इसमें तीन तरह के फेजेस आते हैं. फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस. वो क्या है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. तो वी हैव थ्री फेजेस ऑफ द सेल साइकिल और खासकर सॉरी आई फेज के. सेल साइकिल में दो और आई फेज के तीन. तो अब हम जो आगे डिवाइड करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू डू अबाउट द आई फेज. सो ये हमारा आज का मेन लेक्चर होगा. सो नाउ इंटरफेस. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द दिस लेट मी जस्ट हैव अ काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से हम इसको पहले समझा सकते हैं. सो दिस इज ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेल साइकिल की. ठीक है, ओके. इसमें मेरे पास यहां पे मेजर पार्ट इज माय G1 फेस. देन वी हैव G1, S, G2 और ये हमारा M फेस है. तो हमने इसको तीन में हमने डिवाइड कर लिया इस तरह से. तो M में भी ये हमारा साइटोकाइनेसिस वाला फेस हो गया, डिवीजन वाला, और बाकी हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया जिसके डिस्क्रिप्शंस हम आपको बाद में बात करेंगे. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और ये आपका सी. नाउ अ वन बाय वन आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप ये देखिए एक एक आई फेस, बिकॉज यहां से यहां तक ये सारा हमारा आई है. तो आई एम आई एम अगर मैं इसी पार्ट को ऐसे देखती हूं तो आप देखिए इंटरफेस का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं. इंटरफेस इज बिटवीन टू एम फेजेस या वाइस वर्सा. चलिए तो एम क्या है? दो इंटरफेस के बीच का पॉइंट है. तो यही बात हमारी एनसीईआरटी भी हमसे करती है. तो अब हम चलते हैं इंटरफेस पे. इंटरफेस
It's a phase between 2 M phases, दो माइटोटिक फेजेस के बीच का फेस है. तो एक बार पहले जरा एनसीईआरटी ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे. आइए जी, तो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर. दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेट एवरी 24 आवर्स. However, the duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type. In cell type yeast, it can be of 90 minutes. Cell cycle divided into two basic phases, interphase and M phase. The M represent the phase when actual cell divides or division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phases. It is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle of human cell, the cell division properly lasts only for an hour. So that means interphase lasts for more than 95% of the duration of the cell cycle. The M starts with nuclear division, corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, that is cytokinesis. Interphase, though called resting phase, is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. So, two events aapke iske andar ho rahe hain, that is growth and DNA replication. Interphase is divided into further three phases, G1, S and G2. So, three phases iske paas already aa rahe hain, G1, S and G2. The G1 correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, यानी कि S phase. तो one by one. तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये हमारा interphase और ये हमारा M phase. जो interphase है, this is approximately taking your 95% time. Means अगर मैं 24 hours का लेके चलती हूँ, तो उस हिसाब से 24 hours में, अगर मैं example लेती हूँ, तो ये मेरा almost हो गया, आप समझिए 22 टू 23 आवर्स का टाइम जो था वो इसको चला गया. और 1 से 2 आवर्स का टाइम इसको चला गया. ऑफ कोर्स इट इज अप्रोक्सीमेशन. अगर मैं 5% लेके चलती हूँ तो 1% ऑलमोस्ट 1 आवर के करीब आंसर आएगा. और 95 में 23 आवर्स. तो ये ह्यूमन सेल का मैंने एग्जांपल लिया कि 23 घंटे हमारे पास इंटरफेस है और 1 घंटे के अंदर अंदर सारा सेल डिवाइड हो गया. तो जो हम इसको प्रिपेयरिंग फेज कह रहे हैं, एनर्जी फेज कह रहे हैं, बिकॉज सेल इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द डिविजन. तो इंटरफेस फेज बिटवीन टू सक्सेसिव, इट इज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, एम फेजेस. दूसरा, दिस इज बेसिकली द प्रेपरेशन फेज. फेज ये एक प्रेपरेशन फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए. नाउ इंटरफेस में फर्स्ट फेज जो हम लेते हैं, दिस इज योर G1 फेज. ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लेके चल रही हूं 23 आवर्स का टाइम लेके चल रही हूं जैसे, तो उसमें मतलब अगर आप इसको फुल लगा लीजिए तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 9 to 10 आवर्स तो आपका यही फेज है चल रहा है. सो दिस इज योर G1 फेज. Now, G1 को हम फर्स्ट गैप फेस कहते हैं. ये देखिए, इसको हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेस भी कहते हैं. ये बेसिकली क्या है, इट्स अ प्रेपरेशन फेस, प्रेपरेशन फेस प्रिपेयरिंग द सेल for further events of cell division. क्या कर रहा है इसके अंदर सेल जो है, सेल विल इंक्रीज इन साइज, ऑब्टेन
and store nutrients. Preparation of all types of raw materials like synthesis of amino acid, nitrogenous bases, sugars, etc. इसके अलावा ये तो हो रहा है साथ में मैं उसको उसके बेसिकली वो भी रॉ मटेरियल बट मैं उसको सेपरेट लिख रही हूँ दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स आरएनएस एक्सेट्रा आरएनएस एंड एटीपी एंड एनर्जी कंपाउंड्स लाइक एटीपी. तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ हो रही हैं जीवन में हो रही हैं. इसलिए अब सेल ने साइज भी इंक्रीज कर लिया सारी प्रिपरेशन भी कर ली और अब अगला पॉइंट डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. सेल के ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो रहे हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट एंड यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिडियल डीएनए. मतलब कि अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है या फिर जो प्लास्टिड्स के अंदर डीएनए है वो भी यहाँ पे डबल होगा. एक ये भी वहां पे कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो वहां पे ऑलरेडी दो कॉपीज हैं या चार कॉपीज हैं तो वो फिर इक्वली डिवाइड हो जाती है. अगर जरूरत है सेल को तो सेल डिवाइड कर ले आई मीन डीएनए वो सिंथेसाइज कर लेगा. तो डीएनए तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो गया जो न्यूक्लियस के बाहर है. न्यूक्लियर डीएनए हो गया जो क्रोमोसोम्स और जीन्स की बात कर रहे हैं. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का जो डुप्लीकेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है से मैं बोल देती हूँ दैट इज अकरिंग इन जीवन. तो जो न्यूक्लियर का होगा आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियर का होगा वो होगा आपका एस में. तो यहां पे हो गया. एक और चीज जीवन इज अ क्रूशियल स्टेज स्टेज सेल कैन टेक थ्री डिसीजंस ओवर हेयर सो दिस इज व्हाट यू कॉल चेक पॉइंट्स. वो थ्री डिसीजन क्या होते हैं एंटर एस एंड कंप्लीट सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट कर दी. नंबर टू एंटर जी नॉट फेस द फेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड थर्ड रिमेन अरेस्टेड हियर एंड लेटर डिसाइड टू एंटर आइदर जी नॉट और एस. ये यूजली जो है वो जीवन के एंड पे लिया जाता है और यही इस बार का जो लास्ट ईयर का नीट का क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर था. उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था कि सेल जो जी नॉट में एंटर करता है तो वो कब एग्जिट करता है और यहीं पे ये भी क्वेश्चन आया. सो यहां पे क्या हुआ कि सेल ने तीन डिसीजंस यहां पे ले लिए. तो यहां पे जो एक चेक पॉइंट आता है रेगुलेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग रेगुलेशन कैसे है तो रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे आपकी आती है. तो यहां पे जीवन से जो एस जाने के लिए सबसे पहले उसको एक चेक पॉइंट क्रॉस करना है एंड दैट चेक पॉइंट इज बाय साइक्लिंस नाम के प्रोटीन होते हैं एंड साइक्लिंस एंड सीडीकेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस ये काम करते हैं. तो ये जो आपका हम वो एनसीईआरटी कह रही कि भी रेगुलेशन हो रही है आपकी तो वो रेगुलेशन ऐसे नहीं हो रही है. रेगुलेशन के लिए स्पेसिफिक हमारे पास जीन्स हैं.
तो यहां पे जो है वो साइक्लिंस काम कर रहे हैं, साइक्लिंस एंड यहां पे काम कर रहे हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस प्रोटीन। सो साइक्लिंस खासकर यहां पे जो काम करता है वो G1 साइक्लिन करेगा, साइक्लिन खासकर G1 साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस प्रोटीन्स। तो साइक्लिन नाम का प्रोटीन जब उनके साथ जुड़ता है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, मतलब डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, तो देयर आर प्रोटीन काइनेजेस, वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होते, जब उनके साथ साइक्लिन नाम के प्रोटीन जुड़ेंगे तब एक्टिवेट होंगे। तो यहां पे ये है जी आपका G1 पॉइंट, जहां पे आपका सारा का सारा सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और यहां से आपका जो पॉइंट है, दिस कुड बी पॉसिबल कि यहां पे ये है हमारा G0। G0 में वो एग्जिट कर जाएगा सेल साइकिल, कुछ तो परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं जैसे कि नर्व सेल्स, कुछ दोबारा से री एंटर भी करते हैं, तो यहां पे वो आपका एग्जिट पॉइंट है। ओके जी, तो ये हो गया आपका G1। अब जरा G1 के बाद जब हम बात करते हैं आगे G2 पे चलते हैं, G2 से पहले S पे चलेंगे। तो अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी आपका S का। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड फेज, दैट इज कॉल्ड एज अ S फेज, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज जो आपका ये चेक पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रही थी, ये चेक पॉइंट बेसिकली क्या असेस करता है कि DNA ठीक ठाक है भी है कि नहीं है, क्योंकि अगर DNA ठीक ठाक है तभी वो आगे रेप्लिकेशन में जाएगा। तो DNA की जो इंटीग्रिटी है वो यहां चेक होती है। सो ये चेक पॉइंट क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ DNA, बिकॉज इसके बाद का जो साइकिल है अगर वो एस में जाता है तो DNA ठीक ठाक होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहीं पे एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि मर जाना उसने। ओके, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। सेकंड इज एस फेस। अब एस फेस में क्या हो रहा है, दैट इज सिंथेटिक फेस। आप ये देखिए ये किसके बीच में आ रहा है, G1 और G2 के बीच में आ रहा है, दैट इज ये फेस है जहां आपकी DNA रेप्लिकेशन होनी है, यानी जीनोम डुप्लीकेट होगा, तभी वो कहता है कि देयर इज वन फेस ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, एस फेस और सिंथेटिक फेस। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 hours के आसपास टाइम ले लेता है, अगर मैं 24 hours का साइकिल लगा रही हूं तो, जिसमें से अब इसमें मेन इवेंट्स क्या हुए, रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, जीनोम आपका डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। बट यहां पे क्रोमोसोम नंबर नंबर रिमेन सेम, तो कंटेंट ऑफ, जो मैं ये लिख रही हूं, कंटेंट ऑफ DNA आपका डबल हो गया, जो कंटेंट ऑफ DNA है ये आपका डबल हो गया यहां पे। सो दिस इज लाइक दिस, आपका कंटेंट ऑफ DNA यहां पे डबल हो जाता है, सो विजिबिलिटी इसमें ज्यादा है। ओके ओके, और क्या हुआ इसके अंदर, नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल्स एंड काइनेटोकोर प्रोटीन्स, तो एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहते हैं, और हिस्टोन्स का डुप्लीकेशन यहां होता है। तो क्या क्या हुआ, मेन DNA का कंटेंट डबल हो गया, जो आपके सेंट्रियोल्स थे सेंट्रोल्स का भी डुप्लीकेशन हो गया,
और हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ और काइनेटोकोर प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस हुआ है। ये हुआ है आपका एस फेस यानी कि सिंथेटिक फेस में। नाउ थर्ड फेस ओवर हियर इज द जी टू फेस और वी कॉल इट एज सेकेंड गैप फेस और प्रीमाइटोटिक गैप फेस। प्रीमाइटोटिक गैप फेस ये आपका प्रीमाइटोटिक गैप फेस हो गया यानी माइटोसिस से पहले। अब इसमें क्या हुआ, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट है यानी अप्रोक्सीमेटली ये है 3 to 4 hours के आसपास बनता है। तो जो आपका सेकेंड गैप फेस और जी टू फेस है ये अगेन फेस ऑफ सेल ग्रोथ। अब कौन सी ग्रोथ हो रही है, मेन ग्रोथ तो हो चुकी है आपकी ऑलरेडी। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, यहां से सिंथेसिस हो गया ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का एंड असेसमेंट हो रही है एंड प्रेपरेशन फॉर सेल डिविजन यानी कि सेल ने जो फाइनली एम फेज के लिए डिवाइड करना है वो यहां पे असेसमेंट आपकी होने वाली हो गई है। तो ये काम आपका हो गया। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ सम आरएनए एंड प्रोटीन्स आल्सो, फिर दोबारा से होते हैं यहां पे, तो यहां पे फिर हुआ। और अगर जरूरत पड़ती है तो एटीपी भी सिंथेसिस होता है क्योंकि आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी एटीपी यूज हो जाता है। तो ये काम जो है वो जी टू में। अब यहां पे फिर एक चेक पॉइंट है सेल का, वो चेक पॉइंट क्या है आपका, वो चेक पॉइंट है आपका जी टू से एस के बीच में। ये आपका जी टू साइक्लिंस एंड सॉरी जी टू से एम के बीच में जी टू साइक्लिंस के साथ आता है और साथ में सी डी केज आएंगे यानी साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन। अब ये चेक पॉइंट क्या असेस कर रहा है, ये चेक पॉइंट असेस कर रहा है असेस द प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन कि भी हुई है या नहीं हुई है। अगर इफ देयर इज, ये देखिए ये असेस पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं। ये असेस पॉइंट्स क्या हैं, जी वन से सेल जब एस में जाता है, एस से जब जी टू में जाता है और फिर जी टू में जब आप एम में चल रहा है यानी जी टू से जब आप ये कह लो एम में चला, ये आपका एम में गया। ओके तो यहां पे सबसे पहले आपकी जो चेकिंग आ रही है वो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ जी वन यहां पे आती है। ये आ रहा है चेक पॉइंट आपका, अगर यहीं पे जरूरत है तो सेल एग्जिट कर जाएगा। दूसरा चेक पॉइंट आपका जो है वो यहां आता है यानी कि बिगनिंग ऑफ आपका जब एस खत्म हुआ और आपका जी टू शुरू हो रहा है तो फिर आपका चेक पॉइंट फिर आ गया यहां पे। और फिर तीसरा चेक पॉइंट आपका कहां आएगा, ये आपका एम फेस है। एम फेस में वन इज प्रोफेस, देन इज मेटाफेस, देन इज एनाफेस एंड देन इज टीलोफेस। अब थर्ड चेक पॉइंट आपका यहां आता है, ये आपका चेक पॉइंट है अनदर, दिस इज बाय एम साइक्लिंस। और ये क्या इंश्योर कर रहा है कि भी मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स अलाइन हो गया अब उन्होंने एनाफेस में सेपरेशन करनी है, ये सेपरेशन प्रॉपर होगी कि नहीं होगी यहीं पे असेसमेंट हो जाती है। तो ये जी टू चेक पॉइंट जो है खासकर अगर मान लो डीएनए आपका रेप्लिकेट ठीक से नहीं हुआ है और पहला तो अगर पहले तो डीएनए की असेसमेंट अगर डीएनए ठीक ठाक नहीं है वहां पर कुछ गड़बड़ है तो सेल एपोप्टोसिस कर जाएंगे, अगर मतलब मर जाएंगे, मतलब अगर डीएनए ठीक से रेप्लिकेट नहीं हुआ तो फिर भी सेल मर जाएंगे। और आपको ये बता दूं ये जो सेकंड चेक पॉइंट है, ये फर्स्ट चेक पॉइंट है और ये आपका थर्ड, ये जो सेकंड चेक पॉइंट है एक जीन है जिसका नाम है P53 जीन, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है
ये जीन बेसिकली चेक करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन के, क्योंकि ये चेक कर रहा है, चेक पॉइंट टू वर्क इट असेस चेक पॉइंट टू, ये असेस कर रहा है उसको, इट असेस चेक पॉइंट टू. और इफ इफ दिस जीन म्यूटेट्स इट लीड्स टू कैंसर, यानी कि क्या हो गया, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हैं. जबकि ये जो जीन था वो नॉर्मल जीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, और अगर इसमें म्यूटेशन आ गया, ये असेस नहीं कर पाया ठीक से, उसमें प्रॉब्लम होगी, असेसमेंट खत्म हो गई, तो ये एपोप्टोसिस नहीं होगा, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ खत्म हो गई और सेल कीप ऑन डिवाइडिंग विद म्यूटेटेड डीएनए. तो ये है जी हमारा पॉइंट. सो दिस इफ आई सी, अब फटाफट एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं जी. G1 corresponds to interval between mitosis and initiation. During G1, cell is metabolically active and continue growth. Does not replicate its DNA. तो इसमें उसका DNA replication नहीं हो रहा. Metabolically active है और grow कर रहा है. S और synthetic phase में DNA synthesis हुआ. During this time, amount of DNA double हो गया. Initial amount of DNA is generated 2C and then it becomes 4C. However, there is no increase in chromosome number if cell has deployed 2N number of chromosome at G1 after S phase. Number remains same. Chromosome ka number same rahega. In animal cell during S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation of mitosis while cell growth continue. तो वो कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस जो हमने यहाँ पढ़ा कि भी S replication of DNA हो रही है, ये हो रही है आपकी न्यूक्लियस में और ये आपकी हो रही है साइटोप्लाज्म में. ओके, नेक्स्ट. अब वो आगे बात कर रहा है कि सम ऑफ द सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, दैट इज हार्ट सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और सेल डेथ. दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज टू एंटर द इनएक्टिव स्टेट. वो G1 को एग्जिट कर गया. अब यहां ये क्वेश्चन फंसता है जाकर, जहां पे प्रॉब्लम आती है कि G1 को एग्जिट किया कि सेल साइकिल को. कुछ सेल्स बेसिकली सेल साइकिल को ही एग्जिट कर जाते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स. एंड सम सेल्स टेम्परेली एग्जिट सेल साइकिल, मतलब G1 से एग्जिट किया, टेम्परेली किया, फिर जरूरत पड़ने पर वापस आता है, जैसे कि रिपेयर होनी है या कुछ होना है. इसमें कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, स्किन सेल, हार्ट सेल्स, लिवर सेल्स, जिनमें रिपेयर का प्रोसेस हो सकता है. नर्व सेल्स में रिपेयर का प्रोसेस नहीं होता तो वापस आते ही नहीं. So, this is what you call quiescent stage or G0 stage of cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so. So, conditionally proliferative ho gaye. So, depend upon the requirement of the organism. To aage to mitosis ki baat hai, wo hum baad mein baat karenge. Pehle hum zara inhi ki baatein kar lete hain, ye kya kehne ki baat kar raha hai. To fatafat ek bar quickie review mein hum le lete hain. अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ जी G0 की. जो हमारा G0 फेज है, इसको हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं. सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो. क्या मतलब हुआ? कंडीशनली प्रोलिफरेटिव हो चुके हैं. ओके, सो सम सेल्स परमानेंटली रिमेन इन G0 फेज. एग्जाम्पल हमारे पास है नर्व सेल्स. और दूसरे जैसे हम कह रहे हैं कंडीशनली प्रोलिफरेटिव हो चुके हैं, सो इसमें एग्जांपल आई कैन हैव, दे आर इन G0 ऑफ कोर्स, हार्ट सेल्स हो गए,
अब हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कुछ पार्ट कटा, डैमेज हुआ, अगर रिपेयर ही नहीं करेगा तो वो तो पार्ट ही कट गया, बट अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो वो रिपेयर नहीं होते। तो हार्ट सेल्स हो गए, इसमें हमारे मसल सेल्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे आ गए। तो ये तो होगी कहानी हमारी जी नॉट फेज की। और जी नॉट इट इज क्विसेंट फेज, इज अ फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये पॉइंट बार बार अड़ता है। अब जैसे नर्व सेल्स हैं वो परमानेंटली चले गए जी नॉट में, उन्होंने वापस आना ही नहीं सेल साइकिल के अंदर, लेकिन जो दूसरे हैं उनको जब जरूरत पड़ती है तभी आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो तभी पढ़ने का मतलब, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक स्किन सेल है, एक स्किन सेल आपका जा चुका है कि वो जी नॉट में चला गया, कि वो स्किन का सेल बन चुका है। अब 21 डेज के बाद अगर प्रोलिफरेशन हो रही है तो दैट मीन्स वो दोबारा उस साइकिल के अंदर एंटर कर रहा है, और फिर दोबारा प्रोलिफरेट होने के बाद फिर वो वापस G1 से जी नॉट में स्किन का सेल बनकर चला गया। तो ये है जी जी नॉट का। अब लास्ट यहाँ पे आई एम जस्ट वाइंडिंग अप अगेन। तो मैंने आपसे यहाँ पे बात करी, ये मेरा G1 था, मैंने एक एग्जाम्पल ली आपके पास, लेट से स्किन सेल है। अब इस स्किन सेल के पास हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो है जी आपका 2N, यानी 2N जो है वो मोनाड है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। आई कैन से दे आर सिंगल थ्रेड्स ऑफ डीएनए। सो वी हैव वन डीएनए थ्रेड इज इक्वल टू वन क्रोमोजोम। और इस वन थ्रेड को हम मोनाड कहते हैं, वी कॉल इट एज मोनाड डीएनए। तो ये हमारा मोनाड डीएनए है। अब क्या हुआ जब जीवन से, अच्छा अब इसका कंटेंट क्या है, डीएनए कंटेंट कितना है इसमें, प्लीज इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद ग्राम्स। डीएनए कंटेंट कितना है, लेट से 2C इज इक्वल टू, मान लो 10 पिकोग्राम ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल ले ली 10 पिकोग्राम, तो 2C आपका डीएनए कंटेंट हुआ, 2N आपका क्रोमोजोम नंबर हो गया मोनाड वाला। तो जब ये सेल G2 से S में जाएगा तो आपके जो 2N मोनाड यानी कि 46 मोनाड यानी कि ये थ्रेड, इट विल चेंज इनटू 2N डायड, और आई कैन से 46 डायड, यानी ये जो था इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। अब ये मोनाड से टू थ्रेड स्टेज डायड पे आ गया, लेकिन दोनों चिपके रहे, तो आपको क्रोमोसोम एक ही नजर आ रहा है बट क्रोमोसोम के थ्रेड दो हो चुके हैं, और आपका जो डीएनए कंटेंट था, डीएनए कंटेंट जो था वो आपका 2C से कहां चला गया, दैट गोज टू योर 4C, यानी कि डीएनए कंटेंट आपका 10 पिकोग्राम आप लेके चल रहे थे वो आपका चला गया 4C, और आई कैन से 20 पिकोग्राम। अब इस बात को मैं से फटाफट आपको समझा देती हूँ क्या है मतलब। सपोज करो हमने 10-10 रुपीस के 46 नोट्स लिए हैं, 46 नोट लिए हैं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 10-10 रुपए के 46 नोट लूंगी तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 460 रुपीस। तो डीएनए अमाउंट की जो बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, अब 10-10 के नोट के ऊपर दोबारा 10-10 का नोट चिपका दिया, तो मुझे, आप मुझे बताओ अगर चिपका दिया तो मुझे नोट तो 46 ही नजर आएंगे लेकिन मेरा अमाउंट 920 हो चुका है। तो इसलिए क्रोमोसोम जो था, अब नोट आपको, नोट तो 10 का एक ही दिख रहा है बट एक्चुअली नोट डबल है, रुपए 20 हो चुके हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम के थ्रेड जो हैं वो आपस में जॉइंट रहते हैं। ये मेटाफेज और प्रोफेज के में जाकर जब कंडेंस होता है तो ये अलग अलग होते हैं, और मेटाफेज में आपको फुली कंडेंस मतलब फुल होने के बाद पूरे अलग अलग दिखते हैं। सो दिस इज हेयर। सो नाउ वी कम टू अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब ये पहुंच गया G2 पे। G2 पे
ये ट्रांजिशन आपको यहाँ दिखी थी, G2 में 2N आपका डायार्ड यानी 46 डायार्ड यानी कि 46 इस तरह के आपको दिख रहे हैं जो अभी अलग अलग नहीं है। और ये आपका कंटेंट 4C यानी कि जैसे मैंने आपको लिखा आपका 4C कंटेंट जो था दिस हैज बिकम 20 पीको ग्राम, ये बन चुका है। सो दिस इज ऑल विद योर सेल साइकिल वाला पार्ट। एक चेक पॉइंट आपका यहाँ है, दूसरा चेक पॉइंट आपका यहाँ है, ये सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स हैं, दो चेक पॉइंट्स यहाँ आए हैं और तीसरा चेक पॉइंट तो उसका एम में जाकर आना है। अब जब सेल एम में एंटर करेगा तो जब सेल एम फेस में आपका एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे उसके पास हालात देखिए, अब सेल को नेचुरली डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका क्रोमोसोम जो नंबर है वो नंबर सेम रहा लेकिन कंटेंट उसका चेंज हो चुका। तो आपके पास 46 डायार्ड यानी कि कुछ इस तरह का कंटेंट, ऑल दो मैं यहाँ अलग अलग करके दिखा रही हूँ, होते नहीं है वो बाद में जाकर होंगे, सब समझाने के लिए, दैट इज 20 पीकोग्राम यानी कि 2N डायार्ड और 4C का कंटेंट आपके पास आ गया है। तो यहाँ तक हम इसको वापस वाइंड अप करते हैं। आगे आई विल डिस्कस अबाउट द माइटोसिस कि कैसे सेल माइटोसिस में जा रहा है और क्यों जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि वो हो गया आपका डुप्लीकेट हो गया, अब ऐसा क्या इसके साथ आगे हुआ कि उसको वहाँ जाना पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक माई कंटेंट। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड हेल्प अदर्स बिकॉज इफ यू फाइंड इट इज हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर फीडबैक ऑल्सो इन माई कमेंट बॉक्स।